विक्रम जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर। कहाँ गांव, गांव कौन सा है आपका? भाई। अच्छा अच्छा, आपके साथ तो गोविंद सिंह जी भी बैठे हैं, हमारे मंत्री। हाँ जी सर। खेती कितनी कितनी एकड़ जमीन है अपनी? 8 हेक्टेयर। 8 हेक्टेयर है तो अपने बुंदेलखंड में हेक्टर चलती का एकड़ चले? एकड़ नहीं चलती, एकड़ ही ज्यादा चले तो हेक्टर का को क्या है? हेक्टर में मेरे भी पल्ले नहीं पड़े कुछ। लगभग 20 एकड़ जमीन है। हाँ हाँ 20 एकड़। सिंचित है कि नहीं है? सिंचित है। सिंचित है तो पिछले साल कौन कौन सी फसल बोई थी? सोयाबीन बोया था पूरी में। हाँ पूरी में 20 एकड़ में सोयाबीन। सोयाबीन कितना नुकसान हुआ सोयाबीन में? फिर कुछ आ पाया था कि नहीं आ पाया था? नहीं आया हुआ, पूरे नुकसान हो गया था। पूरा नुकसान हो गया सर। केवल सफाई के पैसा अलग से खर्चा करने पड़े हैं? हाँ अलग से खर्चा। आपने सोयाबीन के अलावा और काय का बीमा करवाया था? फिर गेहूं चना बोया था। गेहूं और चना बोया था, गेहूं चना कैसे हुए? वो ठीक हुए। अच्छा, चने की खरीदी हो गई थी कि नहीं? पर किसान नहीं, हो गई थी सर। हो गई थी, तेवड़ा मिलो था वहां में चना में जो भी पता है कि नहीं? नहीं मिला था सर। मिला था तो भी खरीद लिया है? खरीद लिया था। तेवड़ा वाले चने में बड़ी दिक्कत आई थी जिम्मेदार? हाँ बहुत, लेकिन जैसे तैसे इस बार करवा दिया। अब जैसे तैसे इस बार तो करवा दिया, अगली बार तेवड़ा तेवड़ा नहीं रहे तो ठीक रहेगा। नहीं बड़ी आप ठीक है। अभी फसल बीमा योजना का कितना मिल रहा है आपको? 1,44,000। 1,44,000। चलिए 1,44,000 मिल रहा है तो कुछ तो भरपाई आपकी हुई। तो क्या लगता है आपको फसल बीमा योजना कैसी है? बहुत अच्छी ला। इसमें कहीं और कोई सुधार की गुंजाइश है क्या? कोई कमी सुधार और क्या होना चाहिए जरा सोच के बताइएगा, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री जी भी खड़े हैं। हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई कमी हो तो उसको दूर करते हुए कैसे किसान हितैषी फसल बीमा योजना और बना सके, उसकी हम लोग कोशिश लगातार करते रहेंगे। अभी इस साल क्या हाल है फसल के? अच्छी नहीं फसल सर, फल लग गया रो। अच्छा सोयाबीन? हाँ सोयाबीन। इस बार भी सोयाबीन बोया है आपने? हाँ आपने सर्वे करा दिया है। अच्छा, आज फसल बीमा करवा लिया कि नहीं सोयाबीन का? हाँ करवा लिया सर। करवा लिया। अब इस बार हम तारीख पे तारीख बढ़ाते चले गए फसल बीमा, जब तक नहीं हो गया तब तक हम क्या बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। तो अब तो हो गया ना फसल बीमा? हाँ हो गया सर। ठीक है, आपने फसल बीमा इस बार भी करवा लिया, बहुत अच्छा हुआ। बच्चे कितने हैं? 6। बच्चे 3। परिवार के सदस्य 6 हैं। वैसे पुराने जमाने में तो भैया देखो आजकल बड़े लोग हंसने लगे, लेकिन पहले तो अगर बुजुर्गों के पांव पड़ते थे तो यही कहते तेरे 5 मौड़ा हो, तेरे 5 बेटा हो। अब आज के जमाने में नहीं चले थे, अब आजकल तो हम दो और हमारे दो वो ज्यादा ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं या बड़े हैं काफी? नहीं एक किसानी कर रहा है, एक पढ़ रहा है। एक किसानी कर रहा है, काय में पढ़ रहा है एक बेटा? कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाना भैया उसको है। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपकी कृपा की वर्षा करे और आप और परिवार आगे बढ़े। पत्नी जी अब हम चलेंगे धार, तरुण जी वहां मौजूद हैं। तरुण जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे सीधे बात कर रहे हैं। तरुण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं तरुण जी आप? सब बढ़िया सर। और खेती कितनी है अपने पास? 6 एकड़ है। 6 एकड़? 6 हेक्टर है। 6 हेक्टर जमीन में क्या बोया था पिछली साल? सोयाबीन लगाया था पूरे में। सोयाबीन था हाँ पूरे में सोयाबीन, खरीफ फसल तो सोयाबीन ही है। अच्छा, और बाद में? बाद में गेहूँ लगाया था। गेहूँ लगाया था, गेहूँ कैसा हुआ? गेहूँ का उत्पादन अच्छा मिला।
अच्छा, गेहूं की फिर समर्थन मूल्य पे खरीदी हो गई थी? हाँ हो गई थी। पूरे की हो गई थी, परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हुई, सब अच्छी तरह से हो गया था। राशि भी पूरी पूरी आ गई थी। राशि भी पूरी पूरी आ गई। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अगर हम नहीं होते तो पूरी ऐसी खरीदी हो जाती क्या? कुछ भी नहीं होता। पिछली बार की बात है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था ना, खरीदी नहीं हो पाई थी। अच्छा, इस बार ठीक से हो गई थी? हाँ, इस बार तो पूरी पूरी व्यवस्थित हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फसल में नुकसान पिछली बार कितना हुआ था सोयाबीन में? सोयाबीन के हमारी मुख्य फसल सोयाबीन है, तो करीब करीब पूरे में नुकसान हुआ था। हाँ। और अभी फसल बीमा योजना का कितना पैसा मिला है? अभी 90,164 रुपए। 90,164? हाँ, 90,164 रुपए। अच्छा, पिछली बार सरकार दूसरी थी, लेकिन राहत बाद की राशि मिली थी कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला कुछ भी? कुछ भी नहीं मिला। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो चलो, फसल बीमा की राशि से नुकसान की मैं थोड़ी तो राहत आपको मिलेगी। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में हम कुल 6 सदस्य है, 4 बालिका है और 2। अच्छा, बेटी 4 है। हाँ। चलिए, लाडली लक्ष्मी है। पढ़ रही है चारों? पढ़ रही है। ठीक है, बेटियों को अच्छा पढ़ाना आप, क्योंकि बेटी बेटे से कम नहीं है आज के जमाने में। सभी को अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं। सभी को अच्छे से ही पढ़ा रहे। पिछली बार आपने प्रीमियम कितना भरा था बीमा का? 2,700 के लगभग। 2,700 भरा था। इस बार भी बीमा करवा लिया कि नहीं आपने? करवा लिया। करवा लिया। करवा लिया। आपने अच्छा किया। इस बार हम लोगों ने अभियान चलाया था कोई बिना बीमा का नहीं रह जाए। जी, तो ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। फसल बीमा योजना की राशि मिली, उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं, और आगे कोशिश करेंगे। धन्यवाद। किसान के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर कहिए, जरूर कहिए। एक जो किसान को सबसे बड़ी परेशानी रहती है, बारिश में फसल घर ले जाने की। हाँ। तो मेरे आपसे सविनय निवेदन प्रार्थना है कि ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से खेत सड़क योजना का कुछ करे तो परेशानी नहीं होगी। तरुण जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और इनका सुझाव स्वीकार है। हम लोग खेत सड़क योजना पहले बनाई थी। हाँ। पहले हमने बनाई थी मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, बीच में बंद हो गई थी। अब बीच में बंद हो से इससे काफी नुकसान होता है किसानों का इस खरीफ फसल में। तो फिर से खेत सड़क योजना चालू कर देंगे। और हमारे साथ में हमारे विधायक महोदय भी बैठे हैं। कहाँ है विधायक जी? तो है नमस्ते भैया। हाँ भाभी जी, प्रणाम। मीना विक्रम वर्मा जी बैठी हैं। जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपके 800 करोड़ में से 200 तो धार को ही मिल गया है, इसके लिए सभी हितग्राहियों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने जो हमारे भाई की जो मांग रखी, पास के ग्राम जेतपुरा के हैं और इन्होंने, अच्छा सॉरी, धामंद वाले भैया हैं, और इन्होंने जो मांग रखी है वो वाकई भैया जेन्युइन है, और आप इसको जितनी जल्दी अमल में लिया है तो हम लोगों को, सबको, किसान भाइयों को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी अमल में लाएंगे, थोड़ा सा कोरोना के कारण दिक्कत जरूर है, कड़की ज्यादा है। कोरोना में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है भैया, हमारे यहाँ थोड़े केसेस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब और हमारे CHMO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोगों का सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है। पर किसान भाइयों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। इसलिए कोरोना में भी कसर नहीं छोड़ रहे, लगातार प्रयास जारी रहेगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसान भाइयों से बातचीत कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। जब तक मेरे प्रदेश के भाई बहनों को सुकून नहीं, तब तक मुझे चैन कहाँ, ऐसा विचार रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी अब प्रदेश भर के किसानों से बात करेंगे, और चूंकि किसान हमारा अन्नदाता है तो ये बात प्रदेशवासियों से है, देश प्रदेश और दुनिया भर में सीधा प्रसारण के माध्यम से ये बातचीत आप तक पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ, परिश्रमी और किसान कृषि मंत्री आदरणीय श्री कमल पटेल जी,
हमारी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उज्जैन से विधायक आदरणीय पारस जैन जी, महेंद्रपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक जी, भाई बहादुर सिंह जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता साथीगण और यहां बैठे हुए यहां उपस्थित और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे, भगवान के बाद जिनका दूसरा नंबर है अन्नदाता, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है और अन्न के बिना दुनिया चल नहीं सकती। हवा और पानी के बाद तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है जिंदा रहने के लिए वो है अन्न अनाज, और अन्न को देने वाले अन्नदाता भाइयों और बहनों दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। ये कोरोना काल है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के हाल में आपसे बात करनी पड़ रही है, और नहीं तो बड़ी महापंचायत होती, लाखों किसानों के साथ बैठते चर्चा करते। लेकिन कोरोना ने तरीके भी बदल दिए, आज सामने भले 200 किसान बैठे हो लेकिन जैसा कमल जी बता रहे थे प्रदेश में लाखों किसान आज सीधे जुड़ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं ऐसे सभी किसान भाइयों को भी प्रणाम करता हूं, उनको भी नमस्कार करता हूं। बाबा महाकाल की नगरी में आ जाए, प्रदेश के किसानों को एक सौगात लेके, और साईं जी महाकाल महाराज की इच्छा थी भैया अपन तो चुनाव के परिणाम के बाद झोला टांग के निकल पड़े थे, क्या 5 साल लड़ाई भिड़ाई करना है, जहां प्रचार अन्याय देखे भंडट जाओ। लेकिन मुझे एक आश्चर्य तब हुआ जब हार के भी, हार मतलब वोट तो ज्यादा मिले थे सीट कम रह गई थी, लेकिन जब भी हम जाए वहां भीड़ इकट्ठी हो तो उनका बात क्या है, इतना लाड़ काहे के लिए, तो उत्तर ये आता था मामा तो मामा है, छोड़ थोड़ी सकते हैं। एक मेरे मुंह से गाना निकल गया कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो बीच में से आवाज आई गलती हो गई मामा, 2 लाख के चक्कर में पड़ गए थे, सरकार नहीं बनी हमें कोई गम नहीं था, क्योंकि केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए राजनीति नहीं, हमको लगा हम लड़ेंगे भिड़ेंगे जनता के लिए किसानों के लिए, और सत्ता में नहीं रहने के बाद भी मैं और हमारे साथी कोई चैन से नहीं बैठे। लेकिन बाबा महाकाल को पता नहीं और कोई बात मंजूर थी, हमने तो शुरू में भी कोशिश नहीं करी जब 4-5 सीटों का अंतर था, लेकिन बाद में चक्र ऐसा चला जैसा कि कमल जी बता रहे थे, सरकार में अदला बदली हो गई और 1.25 साल में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। सबको तो मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब वो 1.25 साल देखा और आज देखा तो कुछ चीजें मन में दर्द पैदा करती है। देखिए एक बड़ी बात उस समय हुई थी कि 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और बड़े दावे के साथ ये बात की गई थी 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 10 दिन निकल गए,
10 महीना हो गए, 15 महीना हो गए, इस बीच में लाल गुलाबी पीले रंग रंग के फार्म आ गए, कोई पीला भरो, कोई गुलाबी भरो, कोई हरा भरो, और बाद में रंग रंग के फार्म बंडल बना के गट्ठा बना के पटक दिए गए। अब क्या कहा था और हुआ क्या? कहा था कि सभी 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे, आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ होंगे, बाकी नहीं। वचन सबका था लेकिन होंगे अल्पकालीन। अब ये धोखा नहीं था तो क्या था? केवल अल्पकालीन क्यों? और अल्पकालीन में भी छलावा, कटाव डेट जानबूझकर 31 मार्च 2018 रखी गई। घोषणा तो पहले ही कर दी थी, कहीं ने भरे ही नहीं, लेकिन कट ऑफ डेट 31 मार्च होने के कारण अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक के लाखों किसानों को वंचित करके बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारा नहीं। और इसके बाद 15 लाख किसान जो इस चक्कर में नहीं दे रहे थे कि अब तो शायद माफ हो जाएगा, उनके चालू खातों का भी कोई कर्जा माफ करने का फैसला नहीं हुआ। सरकार इस भरोसे में थे कि हमारा भी होगा। 15 लाख किसान इससे वंचित हो गए, जिन्हें ईमानदारी से पैसा भर दिया था फरवरी 2018 तक, उनको इसका लाभ नहीं दिया गया, और जिन पर 2 लाख से ज्यादा चालू बकाया था उनके नाम भी साफ कर दिए गए। अरे उनका भी 2 लाख तक का कर देते। 5 लाख किसानों पे 11,000 करोड़ ऐसा लोन था, तो किसी का इसलिए माफ नहीं, किसी का इसलिए नहीं, किसी का इसलिए नहीं। ना नौमन तेल होगा ना राधा ना चेगी, अलग अलग कारण बताओ और साफ करते जाओ। और अंधेर तो तब हुआ जब मैं मुख्यमंत्री बना तो बैंक वाले मेरे पास आ गए, सहकारी बैंक वाले, बोले इतने पैसा लेना है सरकार से दो। मैंने कहा कि बोले कमलनाथ दादा कर्जा माफ कर दिया, प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा नहीं दिया, पैसा तो दे दो, हम तो कंगाल हो जाएंगे। कागज के टुकड़े बांट दिए, ऑन रिकॉर्ड करो, प्रमाण पत्र दे दिए, बैंकों को पैसा दिए ही नहीं, ना लेना ना देना, मगन रहना। अब वो पैसा हम भर रहे हैं, नहीं तो सहकारी बैंक बैठ जाएंगे। और कुल कितने का हुआ? कुल ऑन रिकॉर्ड ये कहते 6,000 करोड़ का कर्जा था, 50,000 करोड़ से ज्यादा का। और 6,000 करोड़ के भी पूरे पैसा नहीं दिया, मामा भरेगा। ऐसी कर्ज माफी जिसने पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ दी, राहत देने के बाद उलझा दिया किसानों को। मेरे किसान भाइयों, किसान को न्याय मिले ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, यदि हमारा संकल्प। किसान को भ्रम जाल में रखा गया, उसके साथ धोखा और छलावा किया गया। और कर्ज माफी को लेकर मैंने जितने सवाल पूछे एक का जवाब नहीं दिया, कैसे किसानों को राहत दी जाती है? अब ये धोखा नहीं तो क्या है? 2018 का फसल बीमा का किसानों ने प्रीमियम भर दिया,
केंद्र सरकार का पैसा आ गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रीमियम भरा ही नहीं। अब मैं तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां, कोरोना से लड़ाई के नए तरीके खोजने थे। मैंने पता किया कि इसके पहले कोरोना की बैठक हुई कि नहीं हुई, बोले हुई नहीं। हम कहा हमसे पहले जो थी उन्हें ली कि नहीं, बोले ली नहीं। तो मैं तो रात को 9 बजे वल्लभ भवन पहुंच गया था शपथ लेके। तो पहले तो कोरोना की तैयारी में लग गया, क्योंकि ये महामारी नहीं नहीं, टेस्टिंग किट नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, पीपीई किट नहीं, बाकी चीजें नहीं, तो सारी व्यवस्थाओं में जुट गया, पैसे का इंतजाम नहीं। और जब मैंने फाइलें देखनी शुरू की तो पता चला कि फसल बीमा योजना का पैसा किसानों को इसलिए नहीं मिला कि 2200 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने प्रीमियम भरे ही नहीं। हमने 2018 के खरीफ और रबी दोनों की फसलों का 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में एक सप्ताह के अंदर डाल दिया। अब कैसे जुगाड़ की, कहां से जुगाड़ की, वो नहीं बताऊंगा, क्यों कठिनाई तो है। लॉकडाउन आ गया, काम धंधे ठप, बिजनेस व्यापार बंद, कल कारखाने बंद, टैक्स आना बंद। लेकिन हमने कहा इस समय अगर हिम्मत नहीं की तो किसान भी मर जाएगा और गरीब भी नहीं बन पाएगा, इसलिए गरीबों के खाते में पैसा डाले, मजदूरों के खाते में पैसा डाले, पेंशनर्स के खाते में 500 करोड़ रुपया डाले, बच्चों की स्कॉलरशिप 480 करोड़ रुपया बनी, मध्याह्न भोजन का पैसा डाला, रसोइयों के खाते में पैसा डाला, भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में पैसा डाला, बहनों के खाते में पैसा डालना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना का पैसा भेजा, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का पैसा डाला। संकट बड़ा था लेकिन संकल्प मजबूत था कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए किसान और गरीब की जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। और जब पिछली सरकार ने तो पिछले बार की राहत की राशि का ढेला नहीं दिया, किसान इंतजार कर करके परेशान हो गए कि अब पैसा आएगा तब पैसा आएगा, पिछली राहत की राशि का पैसा नहीं, 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के वो भी नहीं दिए, 0% ब्याज पर कर्ज लेना बंद कर दिया। लेकिन किसान भाइयों चिंता मत कीजिए, हम 0% ब्याज के प्रति साल के उनकी सरकार के 800 करोड़ रुपया भी भर रहे हैं और अगला भी कर्जा 0% ब्याज पर ही। किसान को परेशान नहीं होने देंगे। पिछली ऋण माफी का मैंने बताया 1500 करोड़ रुपया ने दिया ही नहीं सहकारी बैंकों, वो पैसा देने का हम काम कर रहे हैं। और पिछली बार के भावंदर के भी दी मिले क्या किसी को, अरे जोर से बताओ मिले क्या, भावंदर के भी दे, भावंदर के होते 470 करोड़। अब कमल हिम्मत करेंगे यार, भावंदर के भी देना देंगे, निकाल लीजिए। ये धोखा है भाई, मैंने भाई सरकार बदलने से तो योजनाएं बदलती है, एक एक करके चीजें बंद करते चले गए। हम कठिनाई में लेकिन उसके बाद भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को दिक्कत ना हो। मेरे किसान बहनों और भाइयों, इस बार जब सरकार बनी तो कोरोना कोरोना के साथ गेहूं खरीदना, कई जगह चना भी थी मसूर भी था। अब पहले तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए,
क्योंकि कोरोना के कारण व्यवस्था ही नहीं थी, बारदाने नहीं थे, बोरे नहीं थे, खरीदी केंद्र अपर्याप्त थे, खरीदी शुरू नहीं कर पाए, खरीदी देर से शुरू की, 15 अप्रैल उज्जैन में तो शायद 25 के बाद शुरू हुई थी, उज्जैन में इंदौर में बारदाने हमको नहीं मिले जूट के, तो हमने कहा जहां से मिले वहां से लाओ, क्योंकि वहां भी लॉकडाउन हो गया था, पीपी बैग प्लास्टिक वाले बैग बनवाए, युद्ध स्तर पर आपूर्ति हो जाए इसकी कोशिश करी, और क्या बंपर पैदावार की किसान भाइयों, मैं प्रणाम करता हूं आपको। हमने सोचा 101 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, क्योंकि 73 से ज्यादा कभी खरीदे नहीं था, तो ज्यादा होगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन अन्नदाताओं सारे रिकॉर्ड टूट गए, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। देखा जाएगा बात को, अब ऐसे समय मानसून भी बिगड़ गया,